हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू राइजिंग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की इंडिपेंडेंस डे कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग। और गाइस, इस तरह का क्रिएटिव कॉन्सेप्ट अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया था। सबसे पहले गाइस हमने बनाया है, और गाइस ऐसे ही क्रिएटिव कॉन्सेप्ट हमारे चैनल पे आते रहते हैं। और गाइस, अगर आपको इंडिपेंडेंस से रिलेटेड बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको 30-40 बैकग्राउंड मिल जाएंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, एंड वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट फॉर इट। सो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपने इस वाले बैकग्राउंड को अपने पिक्सार्ट में ओपन कर लेना है। उसके बाद से गाइस क्या करना है, आपने सिंपल से चले जाना है अपने ड्रॉ टूल में। तो यहाँ पे गाइस जाते हैं अपने ड्रॉ टूल में, और यहाँ आने के बाद से आपने सिंपल से ऐड फोटो के ऊपर चले जाना है, और यहाँ से आपने अपने कटआउट को ऐड कर लेना है। तो गाइस, अगर आपने कटआउट बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वीडियो की, वहाँ पर जाकर आप देख सीख सकते हो कि HD में कटआउट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को अपने बैकग्राउंड के ऊपर ट्रांसफॉर्म करके हम सेट करेंगे, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे, और उस एम्प्टी लेयर को हम मॉडल के नीचे रखेंगे, और उसमें गाइस आपने एक शैडो की PNG को ऐड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद से क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म पर ले जाना है, और यहाँ पे अपने मॉडल के पैरों के नीचे इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस हम इसको एडजस्ट करके सेट कर लेते हैं, ठीक। और इसको सेट करने के बाद से आपने इसका एक डुप्लीकेट बनाना है, यानी कि कॉपी कर लेना है, और फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके दूसरे पैर के नीचे सेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस हम इसको एडजस्ट करके सेट कर लेते हैं, देन सिंपल से हम इसको डन करेंगे। फिर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर दोनों साइडों का जो लेयर है उन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं। और गाइस उसी लेयर में गाइस आपने ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हल्की सी हमें ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे हम ब्रश सेलेक्ट करते हैं और इसकी ओपेसिटी हम डाउन कर देंगे, और यहाँ पे हल्का हल्का हम ब्रश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमने ब्रश कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा शैडो एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो शैडो के बाद से। उसके बाद से गाइस जो हमारा शैडो है उसको हम मॉडल के साथ मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मर्ज करते हैं दोनों को, और देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर एम्प्टी लेयर बनाते हैं, और इस एम्प्टी लेयर में गाइस हम ऐड फोटो के ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक PNG मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये वाली। तो इस PNG पे गाइस आप देखो बहुत सारे टेक्स्ट है अलग से, ठीक है। तो आप क्या करें, इनको इरेज कर लेना, या फिर गाइस मैं इनको इरेज करके आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे आपने इस PNG को कुछ इस टाइप से सेट कर लेना है। तो हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करके सेट करेंगे, देन सिंपल से इसको अब यहाँ से डन कर लेते हैं। उसके बाद से गाइस जो PNG के ऊपर टेक्स्ट है उन सबको इरेज कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस इन सबको हम जल्दी जल्दी सब इरेज कर लेते हैं। और यहाँ पे गाइस जो आपके कमर के पास वाला एरिया है वहां पे गाइस आपने इसको इरेज करना है, और ऐसे इरेज करना है जैसे गाइस एकदम परफेक्टली सेट हो जाए। सही से गाइस आप इरेज करोगे तो वो गाइस ऐसे लगेगा कि ये कपड़ा हमारे पीछे साइड पे भी चला गया है। तो यहाँ पे हम इनको परफेक्टली इरेज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गाइस देखिए हमने इनको कर लिया, अब यहाँ पे आज सेट हो गया है। उसके बाद से गाइस क्या करना है, यहाँ पे एम्प्टी लेयर बनानी है, और एम्प्टी लेयर को अब क्या करना है, यहाँ पे मॉडल के नीचे ले जाना है। तो यहाँ पे हम ले चलते हैं, और इसमें गाइस हम ऐड फोटो पे जाते हैं, और कुछ इसी टाइप की आपको एक और PNG मिलेगी, तो आपने उसको ऐड कर लेना है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको दूसरे साइड की तरफ सेट करना है। तो यहाँ से हम सिंपल से ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे हम दूसरे साइड की तरफ लगाएंगे, ठीक है। तो गाइज आपने कुछ इस टाइप से इसको सेट कर लेना है, और गाइज जब आप इसको सेट करोगे तो गाइज ये ऐसा लगेगा कि सारे जो क्लॉथ्स है सभी एक में ही है, और आपका मॉडल बीच में है, जो गाइज बहुत ही ज़्यादा औसम लगेगा देखने में। तो सिंपल से क्या करना है, यहाँ से आपने इसको डन कर देना है। तो यहाँ से हम इसको डिस्कार्ड करते हैं, तो यहाँ से गाइज हम इसको डिस्कार्ड करते हैं, और डिस्कार्ड करने के बाद से गाइज अब क्या करना है, ऐड फोटो पर जाना है, और आपको एक ब्लर PNG मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको ऐड करना है, और यहाँ पे ऐड करने के बाद से इसको जस्ट फुल बैकग्राउंड पे कर देना है, और गाइस ये सेट हो जाएगा, ठीक। देन सिंपल से यहाँ से इसको डन कर देना है। डन करने के बाद से गाइस अब क्या करना है, अब यहाँ पे ऐड फोटो पे जाना है, और यहाँ पे गाइस जो हमारी फ्लैग वाली PNG है आपने उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस जाते हैं ऐड फोटो पे, और इस PNG को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या करना है, इसको ऊपर के साइड में बीच में यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद से यहीं से आपने ऐड फोटो के ऊपर जाना है,
और दो गाइस दो पिजन की पीएनजी मिल जाएगी, सॉरी एक पिजन की पीएनजी मिल जाएगी, आपने उसको ऐड कर लेना है और इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको नीचे के साइड में रखना है और इसका एक डुप्लीकेट बनाने के बाद से तिरंगे के इसको ऊपर के साइड में रखना है, ठीक है। तो गाइस इनको सेट करने के बाद से ऐसा लगेगा कि गाइस जो हमारे पिजन है वो हमारे तिरंगे को लेकर जा रहे हैं, जो गाइस बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लगेगा देखने में। तो यहाँ पे गाइस आपने दोनों पिजन को और यहाँ पे तिरंगे को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे गाइस इसको हम सिंपल से एडजस्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे, ठीक है। आपने इनको अच्छे से एडजस्ट करके सेट कर लेना है, देन सिंपल से यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद से गाइस अब क्या करना है, अब आपने ऐड फोटो पे जाना है और एक टेक्स्ट पीएनजी मिल जाएगी, ठीक, उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस हम दो पीएनजी को ऐड करते हैं, एक ये रही हमारी वंदे मातरम वाली, तो इसको हम साइड में रखते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक दूसरी पीएनजी जिसको गाइस हम स्कूल में अपने पॉकेट के ऊपर लगाते थे, तो हम सिंपल से क्या करते हैं यहाँ पे अपनी पॉकेट के ऊपर इसको सेट कर देते हैं। और यहाँ पे जो गाइस हमारी वंदे मातरम वाली टेक्स्ट पीएनजी है उसको वहीं पे हम सेट करेंगे और थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन कर देंगे। देन गाइस इसको ड्रॉ टूल में लेकर जाएंगे, गाइस फोटो को करेंगे सेव और लेकर चलेंगे लाइट रूम में। तो गाइस यहाँ पे आ गए अपने लाइट रूम में और यहाँ पे लाइट्स पे जाना, सीधे कंट्रास्ट को माइनस कर देना है 30%, हाईलाइट्स को आपने 10% इंक्रीज करना है, शैडो को 30% इंक्रीज कर लेना है, देन ब्लैक्स को माइनस कर 30 कर लेना है। उसके बाद से सिंपल से चल जाना है कलर वाले टूल पर, यहाँ पे वाइब्रेंस को आपने 30 इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद से गाइस यहाँ पे आपने टेम्प को थोड़ा सा माइनस करना है, माइनस कर 2, और यहाँ पे टिंट को आपने इंक्रीज कर देना है 8%। सीधे मिक्स वाले टूल पर जाना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेना है और गाइस इससे आपके पूरे बैकग्राउंड में चेंजेस आएंगे, तो इसको आपने हल्का चेंज करना है, थोड़ा सा लुमिनस को इंक्रीज करना है और थोड़ी सी सेचुरेशन को डाउन कर देनी है। फिर चले जाना है ब्लू कलर पे और इसको गाइज आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, ये आपके स्काई का कलर है। देन गाइज आपने जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपने टेक्सचर को 30 रख लेना है, क्लियरिटी को आपने रख लेना है 15, डीएस को आप रख लेना है 10%, विग्नेट को रख लेना है माइनस के 17 और देन सिंपल से चले जाना है नेक्स्ट वाले टूल पे। यहाँ पे आपने शार्पनिंग और नॉइस रिडक्शन इसको आपने इंक्रीज कर लेना है और फिर इसके बाद से गाइस जो हमारा लास्ट कैम है उसको आपने क्या करना है, सिलेक्टिव टूल में जाना है और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे जाना है, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और नीचे से इसमें थोड़ा सा शैडो टाइप में डालना है। तो यहाँ से हम इसमें एक्सपोजर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे नीचे वाला एरिया डार्क हो जाएगा, जो गाइस देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगेगा। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर